दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लिक्विड रोटर स्टार्टर यानी LRS के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने बहुत सारे स्टार्टर पढ़े होंगे, डोल स्टार्टर, एच डोल स्टार्टर, आर डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, बट दोस्तों आज मैं आपको LRS के बारे में बताऊँगा कि लिक्विड रोटर स्टार्टर होता क्या है और लिक्विड रोटर स्टार्टर का यूज कहाँ पर करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यह जो टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए चार स्टार्टर का यूज होता है, जैसा कि डोल स्टार्टर, एच डोल स्टार्टर, आर डोल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। लेकिन कुछ मोटर्स ऐसी होती है जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें अलग तरह के स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है और उस स्टार्टर को हम लिक्विड रोटर स्टार्टर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लिक्विड रोटर स्टार्टर यानी ऐसा स्टार्टर जिसके अंदर लिक्विड का यूज किया हुआ होता है, तो उसे हम लिक्विड रोटर स्टार्टर कहते हैं। अब सबसे पहले हम LRS के बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं कि LRS काम कैसे करता है। लिक्विड रोटर स्टार्टर के अंदर लिक्विड के रूप में हम पानी को डालते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पानी यदि पूरा प्योर है तो पानी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वह इन्फाइनाइट होता है, यानी पानी के अंदर यदि हम करंट को फ्लो करना चाहें तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अब इसी के तर्ज पर लिक्विड रोटर स्टार्टर बनाया हुआ है। लिक्विड रोटर स्टार्टर के अंदर जो पानी डाला जाता है उस पानी का pH 9 से लेकर 10.5 तक मेंटेन किया जाता है और वह डिपेंड करता है कि हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए। पानी का pH 7 से ऊपर करने के लिए और पानी को एल्कलाइन बनाने के लिए हम पानी के अंदर थोड़ा सा सोडा मिला देते हैं। सोडा मिलाने से होता यह है कि पानी का जो pH है वह बढ़ जाता है और पानी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि लिक्विड रोटर स्टार्टर को यूज कहाँ पर किया जाता है। LRS का उपयोग हम ST मोटर के अंदर करते हैं। ST मोटर जिनकी रेटिंग 550 किलोवाट से लेकर 20,000 किलोवाट तक होती है और जो स्लिप रिंग वाली ST मोटर्स होती है उनके अंदर हम LRS यानी लिक्विड रोटर स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन ST मोटर का स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर भी हम LRS का उपयोग करते हैं, क्योंकि LRS के अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं वह मोटर की स्पीड को कम करते हैं जिससे स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है और मोटर को हाई टॉर्क मिलता है। अब आप कहेंगे कि हम LRS की जगह GRR क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि LRS जो होता है वह मोटर की स्पीड को कम करता है और मोटर की स्पीड को कम करने के साथ साथ वह स्टार्टिंग टॉर्क भी देता है, और एक बार मोटर नॉर्मल स्पीड पर आ जाती है तो उसके बाद LRS लाइन से हट जाता है। GRR उस जगह पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमें स्पीड को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि यदि कोई हमारे पास ST फैन है तो उसके अंदर हम ग्रिड रोटर रजिस्टर यानी GRR को लगाएंगे, और GRR की कॉस्ट LRS से ज़्यादा होती है क्योंकि GRR के अंदर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बल्कि हमारा जो LRS होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस के रूप में हम लिक्विड का यूज करते हैं जिससे हमारे LRS की कॉस्ट GRR से बहुत कम हो जाती है। LRS दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वेपरोमेटिक टाइप LRS, दूसरा होता है मोटराइज्ड लिक्विड रोटर स्टार्टर। वेपरोमेटिक टाइप LRS के अंदर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होते हैं और मोटराइज्ड LRS के अंदर मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, उस मोटर के द्वारा हमारे कॉन्टैक्ट लिक्विड के अंदर आगे और पीछे होते हैं। यहाँ पर जो मैं LRS बता रहा हूँ आपको, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह वेप्रोमेटिक टाइप LRS है। इस LRS के अंदर कॉन्टैक्टर लगे होते हैं और कॉन्टैक्टर के द्वारा हमारे रजिस्टेंस शॉर्ट होते हैं। यह LRS 6.6 KV की 1650 किलोवाट की मोटर के अंदर लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस LRS के अंदर टोटल चार कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। अब इस LRS का हमने ढक्कन ऊपर से हटा दिया है। इस ढक्कन को हटाने पर आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं। लिक्विड रोटर स्टार्टर की ड्राइंग कैसी होती है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ यह पावर ड्राइंग है। इसके अंदर
यहाँ पर इस तरह से कॉन्टैक्टर लगे होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं। स्टार्टिंग में हम मोटर को जब चलाते हैं तो हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, इसलिए हम LRS के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम वाला कॉन्टैक्टर दिया हुआ है। यदि हम मैक्सिमम वाले कॉन्टैक्टर को लगा देंगे तो हमारे LRS के अंदर फुल रेजिस्टेंस आ जाएगा और मोटर को फुल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे मोटर का टॉर्क हाई हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमारी मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है तो हम LRS के अंदर जो रेजिस्टेंस हैं उसको कम करते जाते हैं। इन्हीं रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पर अदर कॉन्टैक्टर भी दिए हुए हैं। इन कॉन्टैक्टर को हम लगाकर इस LRS के रेजिस्टेंस को कम करते हैं, और जब हमारी मोटर फुल RPM पर घूमने लगती है तब हम इस LRS को सर्किट से हटा देते हैं। यानी हम ST मोटर का जो रोटर है उसकी वाइंडिंग को कॉन्टैक्टर के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। यानी हमारी मोटर जब फुल RPM पर चलने लगती है तब हम LRS को लाइन से हटा देते हैं। LRS को लाइन से हटाने के लिए यहाँ पर आप ड्राइंग में मिनिमम वाला कॉन्टैक्टर देख सकते हैं। मिनिमम वाला कॉन्टैक्टर लगाने पर हमारा LRS लाइन से हट जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप LRS के बारे में समझ गए होंगे, और LRS के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।